बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरे 200 होम्योपैथिक पोटेंसी के बेनिफिट्स बताऊंगा, साइन एंड सिम्टम बताऊंगा, इसके यूजेस बताऊंगा, किस मर्ज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी देर इसको यूज़ करना है, इसकी प्राइस बताऊँगा, किस कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं और कितने कितने ड्राप्स आप ये पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, एक्सरे होम्योपैथिक मेडिसिन के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपने सही मेडिसिन जो है वो चूज़ की है, अगर आप पेशेंट्स को सही मेडिसिन दे रहे हैं, या अगर आप पेशेंट्स हैं तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने किसी डॉक्टर से कोई मेडिसिन ली तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई इफ़ाका नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी किस्म की मेडिसिन अगर आपने यूज़ की, तो अगर आपको उस मर से निजात नहीं मिल रही तो आप एक्सरे होम्योपैथिक पोटेंसी 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जो अगर आपने सही मेडिसिन ली है तो उसके बावजूद भी मरीज ठीक ना हो तो ये अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा टेस्टिस अगर खुश्क हो जाए, टेस्टिस में अगर पानी ना रहे, मर्दों में खासकर अगर टेस्टिस में पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो इस तरह के मराज में होम्योपैथिक की ये एक्सरे पोटेंसी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा टेस्टिस में अगर ट्यूमर ग्लैंड्स बन जाए तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दो दो ड्राप सुबह दोपहर शाम थोड़े से अपनी टांग पर डालकर यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह आपने यूज़ नहीं करना तो होम्योपैथिक की जो चूसने वाली गोलियां होती हैं, या जिसको हम डिस्केट्स बोलते हैं, और शुगर फ्री भी गोलियां होती हैं जिसको हम ब्लैंकेट्स बोलते हैं, प्राइस दोनों की अलग होगी। ब्लैंकेट्स जो हैं वो डिस्केट्स की मानद महंगी होती हैं, होम्योपैथिक के स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तरीका इस्तेमाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं, अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ी सी गोलियां ले लें डब्बी में डालकर, उसके ऊपर एक्सरे 200 पोटेंसी के ड्राफ्ट डाल लें 5 से 10, जो सुबह दोपहर से आप गोलियां चूसने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके टेस्टिस में पानी जो है वो नहीं रहा, खुश्क हो गए हैं टेस्टिस। इसके अलावा टेस्टिस में अगर ट्यूमर्स बन गए हैं, ग्लैंड्स बन गए हैं, तो इस तरह के मराज में आप एक्सरे 200 पोटेंसी 4 से 5 मंथ रेगुलर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये सोरासिस के लिए अच्छा रिजल्ट देती है, एक्जिमा खारिश। अगर आपकी एल्बो पर बहुत ज़्यादा खारिश है, पुराना ज़ख़म हो गया है, वो ठीक नहीं हो रही एल्बो के ऊपर, इसके अलावा नी जॉइंट के ऊपर, घुटने के ऊपर अगर आपको खारिश है, दाने हैं, खुरदरी जल्द हो गई है, तो इस तरह के अमराज में एक्सरे 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा बैजातुल रहम और हिस्सों की कमज़ोरी के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा हाथ की हथेलियाँ अगर खुरदरी होती हैं, इनके ऊपर से जो है वो मांस उतरता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। एक्सरे 200 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं, हाथ की हथेलियों से अगर आपका मांस उतरता है या जल्द खुरदरी है तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक्सरे की जो नेक्स्ट अलामत है वो ये है कि अगर मर्दों को बांझपन का मसला है, स्पर्म उनके बिल्कुल डेड हो चुके हैं, अगर आपने स्पर्म की रिपोर्ट करवाई तो आपके स्पर्म बिल्कुल नील आए हैं, तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, या आपके दोस्त किसी रिश्तेदार अजीज़ को बांझपन का मसला है, उनके स्पर्म बिल्कुल डेड हो चुके हैं, स्पर्म उनके बिल्कुल नील हैं, बांझपन का मसला है, तो ऐसे लोगों के लिए एक्सरे 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। विल्मा श्वेबे कंपनी की भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर रेक्वज कंपनी की भी आप यूज़ कर सकते हैं। दो ड्राप्स डायरेक्टली टांग पर सुबह दोपहर से हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इस तरह आपने यूज़ नहीं करनी तो गोलियों पर डालकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़े से नीम गर्म पानी में इसके 5-5 ड्राप सुबह दोपहर से हम डालकर यूज़ कर लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके बांझपन के लिए। इसके अलावा ऐसे मर्दों के लिए अच्छा रिजल्ट देती है जिनको ख्वाहिश जमा बिल्कुल नहीं होती, जिनको शहवानी ख्यालात या फिर शहवानी ख्वाब आते हैं, शहवत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मर्दाना कमज़ोरी का मसला बन जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक्सरे पोटेंसी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा हड्डियों के गुदा में तब्दीली लाती है, बोन मैरो का अगर मसला बन जाए
तो उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, हड्डियों के गुदा में तब्दीली लाती है। इसकी जो नेक्स्ट अलामत है, अगर किसी को खून की कमी का मसला है, अनीमिया का मसला है, हीमोग्लोबिन की मकदार जिसम में कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट अलामत है एक्सरे टू हंड्रेड पोटेंसी की, अगर आपका जिसम कहीं से जल गया है, जल जाने में ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। अगर हाथ कहीं से जल गया है या आपके घर में किसी का किचन में रोटियां पकाते वक्त, खाना बनाते वक्त, हांडी बनाते वक्त हाथ कहीं से जल गया है या पाँव कहीं से जल गया है, किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर आपको कोई जलन हो गई है, जल गया है, यहाँ से बर्निंग हो गया है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इस पोटेंशियल को आप यूज़ कर सकते हैं चूसने वाली गोलियों पर डालकर, और डायरेक्टली टांग पर भी ले सकते हैं, और कैंथेरिस भी साथ ले सकते हैं, जल जाने वाले मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा जिन लोगों के जख्म जल्दी मुंदमिल नहीं होते, जल्दी ठीक नहीं होते, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जिन लोगों के जख्म जल्दी ठीक नहीं होते, ना मुंदमिल होने वाले जख्म, जख्मों को जल्दी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है एक्सरे 200 पोटेंसी। इसके अलावा जिस्मानी और जहनी कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी जो नेक्स्ट अलामात है, दबी हुई अलामात को उभारती है। जो अलामात आपके जिस्म में दब गई हैं उनको उभारने के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा साइको के जो पेशेंट्स हैं, जो मेंटली हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका ठीक नहीं होता, साइको के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जिनको कोई अंदरूनी चोट लग जाए या कुछ सदमा वगैरह लग जाए, तो उसके लिए भी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा सर और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज चुभने वाला दर्द हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी एक्सरे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, एक्सरे 200 पोटेंसी की जो नेक्स्ट अलामत है वो ये है कि पेशेंट्स जब सोकर उठता है, तकिए से जब वो अपना सर उठाता है, तो गर्दन के पट्टों में उसको सख्त दर्द होता है। वो अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ लेता है, जैसे ही वो नींद से बेदार होकर उठता है, तकिए से अपना सर उठाता है, तो उसको गर्दन के हिस्से में कमज़ोरी फील होती है, गर्दन के पट्टों में दर्द रहता है। अगर आपको ये मसला है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक्सरे 200 पोटेंसी 2 मंथ रेगुलर यूज़ करें, तो आपका ये मसला क्लियर हो जाएगा। इसकी जो नेक्स्ट अलामत है वो ये है कि मुंह के मतलब है, माउथ के मतलब है, पेशेंट्स की ज़ुबान खुशक खुरदरी होती है, ज़ुबान ड्राइनेस, इसके अलावा उसकी ज़ुबान खुशक और खुरदरी होती है, और निगलने में पेशेंट्स को जो है वो दर्द होती है। इस तरह की अलामत में एक्सरे 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी जो लास्ट अलामत है वो ये है कि जिल्द इसकी जो होती है वो ख़ारिश वाली होती है, इसको ख़ारिश बकसरत रहती है, अक्सर इसको ख़ारिश रहती है, एक्जिमा का मसला रहता है। इसके अलावा इसके नाखूनों की जड़ के पास जो है वो खुशक निशान होते हैं, नाखून की जड़ के पास खुशक निशान होते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर नाखून की जड़ के पास इसको खुशक निशान होते हैं, वो नज़र आते हैं सामने। इसके अलावा पेशेंट्स के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसकी जिल्द पर जो अलामत है, जिल्द पर खुशक झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इस तरह के अमराज में एक्सरे 200 पोटेंसी आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर जिल्द कट्टी फट्टी नज़र आती है चेहरे के पास या चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर या हाथों के सामने से या हाथों की बैक साइड पर अगर जिल्द कट्टी फट्टी नज़र आती है, पाँव की एड़ियाँ जिस तरह हो जाती हैं, इस तरह के अमराज में एक्सरे 200 पोटेंसी अच्छा रिजल्ट देगी। इसकी लास्ट अलामत जो है वो ये है नाखून के मतलब कि पेशेंट्स के नाखून जो है वो मोटे होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप अपने नाखून काटते हैं या अपने घर में किसी के नाखून काटते हैं, अपने वालदैन के, तो उनके अगर नाखून मोटे हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून थोड़े पतले हो जाए, तो नाखून मोटे नाखून को ख़त्म करने के लिए, नाखून को पतला करने के लिए एक्सरे 200 पोटेंसी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 4 से 5 मिनट रेगुलर यूज़ करना पड़ेगी, कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको इसका नहीं मिलेगा। इसके अलावा चंबल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जिनको चंबल का मसला बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था फिर मेरा आज का एक्सरे होम्योपैथिक पोटेंसी के मतलब टॉपिक। बांझपन के मरीजों के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर जुबान खुशक और खुरदरी होती है, अग्जिमा वाले पेशेंट्स जिनको सराइसिस का मसला रहता है, ख्वाहिश जमा अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, बोन मैरो के लिए अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपकी 2 से 3 अलामत एक्सरे 200 पोटेंसी से मिलती जुलती हैं, तो आप इसको यूज़ करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नोट कर लीजिएगा 0315-71-00-24 0315-71-24। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा सिम नंबर है। आपने पहले मुझे वॉइस मैसेज करना है या खाली मैसेज करें, या जिस तरह भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं करें डायरेक्टली। आपने मुझे कॉल नहीं करनी, कॉल पे बात नहीं कर सकते, मैं फ्री टाइम आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने मुझसे मेडिसिन मंगवानी है तो इसी नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको TCS के थ्रू, लैपरेड के थ्रू आपको मेडिसिन भेज दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।